हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरवी नंदा और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने बालों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो या आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो या आपके बाल बहुत ही पतले हैं, मतलब थिक नहीं है, या आपके दो मुहे बाल हैं और बालों में शाइन नहीं है, मतलब जो नेचुरल शाइन है वो गवा चुके हैं, और उसी मतलब इन्हीं सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक होममेड रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और 100% इफेक्टिव है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इस रेमेडी को जरूर यूज कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा, और बेल आइकन दबाने के बाद कॉल भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आंवला। तो मैंने आंवला को अच्छे से वॉश कर लिया था और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आंवला में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे बालों को प्री मैच्योर ग्रेइंग यानी समय से पहले होने वाले सफ़ेद बालों को रोकने में हेल्प करता है। और अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो उनको दोबारा से ब्लैक में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हमारी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और हमारे बालों को शाइनी और सॉफ्ट बनाने में भी हेल्पफुल है। और जो सेकंड चीज़ हमें चाहिए वो है नीम के पत्ते। तो मैंने फ्रेश नीम के पत्ते लिए हैं और इनको पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। नीम में प्रेजेंट एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है और हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हमारी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नीम हमारे फेस के लिए यानी हमारी स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। और जो थर्ड चीज इसमें ऐड करने वाले वो है फर्मेंटेड राइस वाटर। आपने क्या करना है, 2-3 चम्मच चावल लेने हैं और उनमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको पूरी रात के लिए सो करके रख देना है और अगले दिन आपने उस पानी को यूज़ करना है। फर्मेंटेड राइस वाटर हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारे बालों को सॉफ्ट, शाइनी, मुलायम और थिक बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और हमारे बालों को लंबा और घना और मजबूत बनाने में फायदेमंद है। और पहले इन तीनों चीज़ों का आपने अच्छे से स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। अभी हम ग्राइंडर में इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके में चौथी चीज ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, जो कि बिल्कुल दिखने में ऐसा लगेगा। तो अभी जो फोर्थ चीज यानी लास्ट चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं था तो इसलिए मुझे मार्केट वाला यूज करना पड़ा। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ही यूज कीजिएगा। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई होते हैं, जो कि हमारे स्काल्प की जो स्किन होती है उनको रिपेयर करता है, हमारे बालों पर एक कंडीशनर की तरह काम करता है, जो कि हमारे बालों को स्मूथ बनाने में, शाइन बनाने में और हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको इचिंग स्काल्प है तो उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। तो देखिए हमारी रेमेडी बनकर तैयार है और अभी हम इसको अपने हेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने क्या करना है, अपनी बालों की जड़ों में इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें प्रेजेंट जो भी चीज़ें हमने ऐड की हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से जो कोलेजन की मात्रा प्रोड्यूस होगी, कोलेजन प्रोड्यूस होने से हमारे हेयर फॉल कंट्रोल होगा, हमारे बाल थिक बनेंगे, हमारे बालों की जो हेयर ग्रोथ है वो दोगुनी बढ़ जाएगी और हमारे जो बालों की प्रॉब्लम है, मतलब डैंड्रफ की अगर आपको प्रॉब्लम है, इचिंग स्काल्प है यानी सर पर कई बार खुजली होती है, तो उसकी प्रॉब्लम भी आपके सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके स्काल्प पर लग जाए उसके बाद आप इसे अपने पूरे बालों की लेंथ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है वो भी इसी रेमेडी से ही सॉल्व हो जाएगी। तो आप अपने पूरे बालों पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई हो जाने के बाद आप इसे बांध लीजिएगा और 1 घंटे बाद आप जिस भी शैम्पू का यूज़ करते हैं उससे अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी होममेड रेमेडी। तो बनाना बहुत ही आसान है, ये 100% इफेक्टिव है, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप इसे हफ्ते में 2 बार जरूर यूज कीजिएगा अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। इसको यूज करने से आपका जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। अगर आपके बाल थीन है तो वो थिक बनेंगे, मतलब घने बनेंगे, और अगर प्री मेच्योर ग्रेन यानी समय से पहले अगर हमारे बाल व्हाइट हो जाते हैं यानी सफेद हो जाते हैं, वो भी ब्लैक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपके बालों में शाइन लाएगा, चमक लाएगा, और दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगा और हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो आप इस रेमेडी को जरूर यूज कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।